हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, एक बहुत उलझी हुई स्थिति से आपका बाहर निकलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे निकल ही नहीं पा रहे थे, ये परिस्थिति बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, ये लाइफ के हर एक मामले को बहुत ज्यादा जकड़े हुए थी, हर एक मामले को इफेक्ट कर रही थी। कोई एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ऐसी थी जो सेंटर में चल रही थी और उसके चलते आपकी लाइफ के बहुत सारे मामलों पर इफेक्ट पड़ा है, आपकी फैमिली पर, आपके रिश्ते नातों को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर, सोसाइटी में आपकी इमेज को लेकर, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, बहुत सारे मामले इस पर टिके हुए थे। ये परेशानी ऐसी थी जो दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, जो पैसे की बर्बादी करने में और लाइफ में नकारात्मकता को पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। जितना ये बिगाड़ा कर सकती है उतना ही इस परेशानी ने बिगाड़ा करने की भरपूर कोशिश की, हाल ऐसे कर दिए। जैसे एक होता है ना कि फंसा हुआ इंसान, अब जैसे निकलने की कोशिश करे और वैसे उसमें उलझ जाए, उलझने ऐसी, एक होता ना भूल भुलैया जैसे, कि पता ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ है, पता ही नहीं चलता इसका सॉल्यूशन क्या है, पता ही नहीं चलता कि मतलब एक होता ना कि उस स्थिति में कोई इंसान अकेला है, और एक वो घबराहट भी कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, अब इसमें हेल्प कौन करेगा, किसी की आवाज़ तो सुनाई दी जाए, कोई इशारा तो मिल जाए कि इससे बाहर निकालने का कोई यहाँ पर रास्ता है, कोई रोशनी नजर आ जाए, एक उम्मीद, एक होप नजर आ जाए, बच्चे को वो तक नजर ना आए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करो, ये आप अकेले में, एकांत में, ये बहुत बुरी स्थिति के बारे में है। यहाँ पर सोचो किसी इंसान के दिमाग की हालत क्या हो सकती है, सुन्न हो जाता है ना कोई इंसान, बिल्कुल वैसा कि कितना ही हष्टपुष्ट इंसान हो, कितना ही दिमागी तौर पर स्टेबल क्यों ना हो, है इतना स्ट्रोंग होने के बाद में भी कोई इंसान इतना कमजोर हो जाना ऐसी स्थिति में कि बिल्कुल बच्चों वाले भाव करने लगे, इतना दर्द जो है वो शो हो जाए उनका। जैसे एक बात बताऊं, किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है बाहर शो नहीं करते, कोई भी भाव हो, ना तो प्रेम भाव ना दर्द का भाव, प्रेम एक बार हो सकता है शो हो जाए, लेकिन अंदर भीतर में अगर रोना आता है ना, वो है ऐसा कि सामने से किसी को बता दे ना जी, अपनी फैमिली के लोगों तक को पता ना चले, अगर रोए भी हो ना तो पता ही नहीं चले फैमिली के मेंबर को कि अभी 5 मिनट पहले रोकर आए हैं, चेहरे पर वो मुस्कान, वो किरदार इतना शानदार स्तर पर निभाना वो वाले इंसान, और वो इंसान इस स्थिति में रो पड़े, कमजोर पड़ जाए, बच्चों की तरह रोने लग जाए, सोचो किस हद तक में सिचुएशन ने तोड़ा है, कितना कमजोर किया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कुछ चीजें बदलेगी गाइस आपकी लाइफ में, आप उस एक चक्रव्यूह कहते हैं ना, उससे बाहर आते हुए नजर आ रहे हो जिसका तोड़ आपके पास नहीं था। आप खुशी के पीछे नहीं भागोगे, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है पहले आप किन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे थे, अब आप फिर से भाग रहे हो, नो डाउट अभी भी भागना है आपका, लेकिन अभी भागना हो रहा है आपको दुख को भगाने की तरफ। ये आ कैसे गया आपकी लाइफ में, या ऐसी मुसीबतों में आपको फंसाया क्यों है, किसने फंसाया है, जो लोग, जिन लोगों ने आपको ऐसी स्थितियों में डालने की कोशिश करी है ना, उनको उनको लेकर आप बड़ा फैसला करने वाले हो गाइस, उनको लेकर अपनी लाइफ से निकालना, ये मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना है, या जो जो सिचुएशन ने आपकी लाइफ में बुरा क्रिएट करने की कोशिश की ना, वहां से आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पर आप नहीं रहना चाहते। और सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि
कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये चक्रव्यूह से आप बाहर आ रहे हो, या ये सिचुएशन इतने बुरे हालात में आपको डाला है ना, उससे आप बाहर आ रहे हो, उससे कैसे पता चलेगा? देखो, दो सिचुएशन होती है कि जब ये स्थिति उलझी हुई स्थिति होती है जो आपको उलझाने की कोशिश करती है, जो आपकी लाइफ के हर एक मैटर को बुरा करने की कोशिश करती है ना, तब क्या होता है? तब ये प्रभाव में होती है और बाकी मामले कमजोर होते हैं, है ना? लेकिन जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपका भाग्य का प्रबल होना ये होता है ना, तब ये चीजें कमजोर हो जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि ये आपकी लाइफ से निकलने के लिए रास्ते बनाती है और आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी और भाग्य का सेंटर में आना हो जाता है। तब ये क्या करता है, आपकी लाइफ के हर एक मामले को प्रभावित करता है। जैसे जैसे आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ी, उनको एक 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 करके ठीक करना, है ना? गोल सर्कल में, यानी राउंड के साइन आपको मिल रहा होगा, शून्य का साइन आपको मिल रहा होगा। पहेलियां सुलझ रही है गाइस आपकी लाइफ की। पुराने से पुराने दर्द का निवारण जो है ना, ये समय आपको आपके लिए करेगा। बुरी परिस्थितियों को लेकर जा रही है ये। जो लाइफ में आपने दुख भोगा है ना, ये आपकी लाइफ के बहुत बड़े दुख को लेकर जाएगा ये लोग। क्योंकि छोटे स्तर पर कोई परेशानी नहीं झेली है ना आपने, बड़े स्तर पर कोई परेशानी झेली है, तो ये एक कहता ना जड़ से हर एक तकलीफ को लेकर जाएगा, क्योंकि इसने बचने के लिए वापस दर्द का हाथ थामा था। तो ये तो खुद उड़ रही है आपकी लाइफ से, है ना? ये तो खुद आपकी लाइफ से भाग रही है, जाते जाते ये एक और तकलीफ को लेकर जाएगी। इसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आपने करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये खुद जा रही है। देखो, समय इस वजह से कहा जाता है कि चाहे ब्लैक में जो हो, कोई भी ऐसी तकलीफ हो, हर एक चीज की ना एक्सपायरी डेट होती है। ये समझ लो आपके इस दुख की एक्सपायरी डेट आई है, और ये जाते जाते अपने खौफ के साथ एक और प्रॉब्लम को लेकर जा रही है। खुश रहो, ये कार्ड कहता है कि पॉजिटिविटी का सेंटर में आना, यानी भाग्य का या अच्छे समय का आपके लिए बनना गाइस, जहां पर हर एक प्रकार की परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाए, दुख और तकलीफें खत्म हो जाए, लाइफ में खुशियां आए, मन खुश हो जाए, झूम उठो, एक फैमिली के साथ एंजॉय वाला मोमेंट बिताओ, खुश रहो, वो यादें लम्हे एकदम बन जाए, कैप्चर हो जाए कि बहुत लंबे समय के बाद में ना लाइफ में आप खुशी आई है, लाइफ में कुछ अच्छा देखने को मिला है। ये भाव आप में आने का, ऐसी खुशी आपको मिलनी है ना? फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला है गाइस, कुछ कुछ अच्छा, जैसे सक्सेस की कहते हैं ना कि एंजॉयमेंट सब मिलकर करें, परिवार में मतभेद थे तो वो दूर हो जाने, बच्चों को लेकर कोई हो सकती है गुड न्यूज़ आपको मिले, बच्चों को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर हो सकता है, या किसी प्रकार की उनकी कोई समस्या थी, उनके करियर को लेकर हो सकती है वो समस्या थी, वो समस्या दूर हो जाए, मतलब कहीं पर एडमिशन को लेकर हो सकती है, कहीं किसी प्रकार के उनके बड़े काम को लेकर हो सकती है, शादी ब्याह को लेकर हो सकती है। तो माता पिता के बच्चों को लेकर एक चिंता जो है ना, वो दूर होती हुई नजर आ रही है। गाइस एक बात कहूँ इसके साथ साथ, मुझे एक और चीज लग रही है, जैसे एक होता ना कि एक समय में आपके साथ ये चीज रही होगी कि आपके फैमिली में, घर परिवार में, फिनेंशियल मैटर में, सब चीजों में लेकर ना, क्योंकि ये दो कार्ड ना एक बहुत बड़ी बात के बारे में, एक लंबे टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही है, या एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत लंबे समय तक में ना आपकी खत्म ही नहीं हुई थी। आपके घर परिवार पर, कैरियर पर, हेल्थ पर, बच्चों पर ना किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट ये साइन बताता है, और कहीं ना कहीं आपको आभास था कि किसी ने कुछ कराया है जिसकी वजह से लाइफ में इतनी गड़बड़ियाँ चल रही है, और आपके घर में भी आपने नेगेटिविटी फील की होगी गाइस। सीलन का बार बार आना, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बार बार खराब होना, कितनी बार ठीक करा लो, एक को ठीक करवाओगे दूसरा खराब हो जाएगा, या घर में खाना खराब होना, और कितनी भी साफ सफाई करने की कोशिश करो, कितना ही अच्छा करने की कोशिश करो, घर में हेल्थ का इशू, लेडीज को बहुत ज्यादा होना, वो स्वस्थ ना रहे, ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत का रहना लेडीज को, ये कनेक्ट करके देखना। जब भी घर में सीलन आती है ना, तब घर में जो लेडीज होती है ना, उनकी तबीयत पर इफेक्ट होता है, ये देख लेना आप, है ना? तो ये चीजों का मुझे ऐसा लगता है काफी लंबे समय तक आपके साथ चले। और एक और बहुत बड़ी और भयानक चीज,
कि घर के बाहर होते हो ना, तब आपके माथे में पेन नहीं होना, भारीपन नहीं होना, लेकिन जैसे घर के अंदर कदम रखो, कदम रखते ही भारीपन हो जाना। और घर में हर थोड़े दिनों बाद में क्लेश की स्थितियां, एक सुख भरा वातावरण जो है ना, ये बहुत कम दिखना, और क्लेश वाला वातावरण ज्यादा दिखना, आजू बाजू के लोगों से कम बनना। कितना ही अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश कर लो ना, केवल आजू बाजू के साथ में, बाहर और लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, जहां पर काम करो वर्क प्लेस पर भी ऐसा हो सकता है, आपका रैपो लोगों के साथ अच्छा नहीं जाना। आप भले कितना भी अच्छा निभावत करने की कोशिश कर लो, फैमिली के लोगों से हो सकता है, बाहरी लोगों से हो सकता है, मित्र मंडली से हो सकता है, कि एक इंसान का इतने सारे लोगों के साथ तालमेल क्यों नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं खुद में मनोबल टूटने वाली बात होती है ना, कि क्या मेरा बिहेवियर में कमी है, क्या है। आपने अच्छा बनकर भी देख लिया, आपने थोड़ा खुद को चेंज कर कर भी देख लिया, पर आप में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, आपकी स्थितियों में परिवर्तन नहीं हो रहा। इवन आपके साथ एक और चीज होती है, आपको पैसों का लॉस बहुत ज्यादा होता है, जैसे लोग आपके इमोशंस के आधार पर पैसों का लॉस करवा देते हैं आपके साथ। ये चीजें आपके साथ होती है गाइस। मतलब एक बात को लाइफ में, एक चीज तो है कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने आपको ठगा है, ये पक्का है, ये आपके साथ फिट बैठता है कि हाँ ये है। इवन छोटे से स्तर पर सामान लेना चाहो ना, तो कहीं कहीं पर वहां भी ये स्थितियां हैं कि वहां पर भी ठगा गया है, इतना तक मैं है कि मिसयूज करने में दुनिया ने कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी है, ये आपके साथ है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के इस तरीके के ब्लैक मैजिक का सामना आपने किया है ना, उस ब्लैक मैजिक का उतरना और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपको हेल्थ पर देखने को मिलेगा और अपने बच्चों पर देखने को मिलेगा। कैसे? तीन तरीके के परिवर्तन बहुत ज्यादा होंगे जब आपकी लाइफ पर से ये ब्लैक मैजिक हटेगा। मैं कहूँ इससे अच्छी गुड न्यूज क्या हो सकती है कि ये अंधकार, ये बुरी नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। इसका उपाय आपने कितना किया है, कितने दर दर जाकर आए हो कि इसका उपाय मिल जाए, इसका उपाय मिल जाए, मिला उपाय है। हाँ ये अलग बात है, थोड़े दिन के लिए, एक सप्ताह भर या 10 दिन आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में आसानी नजर आई है, और वापस से परेशानी का बढ़ना, वापस से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाना, और चलते 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 अभी तक मैं आपके साथ ये चीजें हुई हैं कि आपको ये फील होता है कि इनके चलते ना पैसों का लॉस और समय का वेस्ट होना, ये बहुत हुआ। इससे अच्छा आप अपने करियर पर फोकस करते तो कितना सही रहता। एक होता ना कि कोई इंसान इरिटेटेड है, और इरिटेटेड होने के बाद में भी कुछ उपाय ऐसे करने जो वो करना ही नहीं चाहते, फिर भी आपने किए। अभी तीन तरीके की चीजें कही ना, कि ब्लैक मैजिक के उतरते ही आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हेल्थ को लेकर थोड़ी थोड़ी रिकवरी का होना, ये देखोगे आप कि अगर आपको कोई इलाज नहीं लग रहा था, है ना, कि हर थोड़े दिन बाद में बीमार हो जाना, इलाज नहीं लग रहा था, उपाय का लगना, आपकी हेल्थ का ठीक होना, रोग से मुक्ति का मिलना आपको, ये अगर किसी प्रकार का कर्जा था तो उसके उतरने के लिए सोर्सेस बनना, मतलब क्या है, पैसे का आगमन होना, उसका रास्ता बनना, पैसे पर कोई बंधन था ना वो टूटना और पैसे का रास्ता बनना, आपका काम अच्छा चलना। और जब आप पर से नकारात्मकता हटती है, उसका प्रभाव क्या होता है, लोगों का आपकी तरफ आना गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी के पीछे जो एक ऑरा था ना नकारात्मकता, अगर वो टूट जाए तो लोगों का संपर्क आपसे बने, आपको लेकर जो गलत जज किया जा रहा था ना, वो चीजें आपसे हट जाए, वो धुंध आप पर से हट जाए, तो आपके चाहे कोई भी बिजनेस है, कोई काम है, तालमेल लोगों के साथ अच्छा जाना, रैपो आपका अच्छा बनना, और आपके काम में सक्सेस और उन्नति आपको देखने को मिलना। तीसरा जो सबसे बढ़िया कहा वो है बच्चों को लेकर, बच्चों में आपसे क्लेश नहीं होना, और क्लेश है तो वो मिट जाना, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे तो बच्चों के द्वारा आपकी बात को माना जाना, है ना, बच्चों के साथ आपका बिहेवियर, या बच्चे आपके साथ बिहेवियर गलत कर रहे थे, उनकी मति में थोड़ा सुधार होना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे तो पढ़ना, अच्छे से टाइम पर पढ़ना, टाइम पर खाना खाना, है ना,
अच्छा बिहेवियर करना, ये सब चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा है कि बच्चे के एजुकेशन को लेकर के समय पर नहीं पढ़ता है, पढ़ने ही नहीं बैठता है, एकाग्रता नहीं लगती है। पहले इतना अच्छा से पढ़ने बैठ जाता, अब कहने पर भी नहीं बैठता है ना। ये थोड़ी टाइम है गाइस, ये फ़र्क देख लेना आप। तो फैमिली को लेकर जो भी परेशानियां है ना, वो हटती हुई ब्लैक मैजिक का आड़ते हुए ये नजर आ रहा है। फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कत मत रखो आप, है ना, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसको लेकर अंधकार भी आपकी लाइफ से दूर होना है। कहा ना, बहुत बड़ी लाइफ की पहेली है गाइस, ये सुलझने वाली। और ये सुलझते ही लाइफ में आसानी आती है, वो देखना। चिंताओं से मुक्त हो जाओगे देखना बाकायदा। अभी आप एक काम करना, आपको ब्राउन कलर का डॉगी दिखेगा, बहुत दिखेगा इन दिनों में, और नंबर 7 दिखेगा आपको, ठीक है। दो तीन काम कहूँ वो करना आप। एक तो ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट देना है, ये काम करो। एक बिस्किट दो, रोटी खिलाओ उनको, ये काम करो आप। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। आपका इस समय में मेडिटेशन करना, जैसे आपने उपाय बहुत सारे किए होंगे ना, उसमें भी आपका समय लगा है ना, एक बार ये भी ट्राई करके देखो। पौधों के पास बैठो, घर में पारिजात का पौधा उगा होगा, ठीक है। या अगर वो ना मिले ना, तो क्या करो, व्हाइट कलर के फ्लावर के पौधे हैं ना, वो घर में उगाओ, ठीक है। ये बहुत काम करता है गाइस, ये लाइफ में बहुत सकारात्मकता लेकर आता है। उसके पास बैठो, और अभी का समय ऐसा है कि 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन किया ना, तो आपकी लाइफ में फ़र्क देखने को मिलेगा। इन दिनों में हो सकता है कि मुश्किल से नींद आना, हेल्थ की प्रॉब्लम होना, बुखार आए जैसा होना, बदन का टूटना, कुछ ऐसा ये चीज़ें आपके साथ चल रही होगी, या थकावट बहुत ज़्यादा होना, ये चल रही होगी आपके साथ, या 3 बजे से 5 बजे के बीच में नींद का जग जाना। ये किस वजह से कहा जा रही है, ये अभी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से नकारात्मकता के खत्म होने के बारे में बात कही जा रही है। इस वजह से कहा जा रहा, परेशान मत हो। 5 मिनट सही, जिनको भी मानते हो ना, जिनको भी मालिक को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीजस को मानते हो, जिनको भी मानते हो है ना, उनका स्मरण करो आप, अपने गुरुदेव का स्मरण करो। और कुछ समझ में नहीं आता, हनुमान जी को याद करो, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है ना। वो आपको वो समझ, वो बुद्धि देते हैं, आपकी इंट्यूशन को प्रबल करने का काम करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ाने में। किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी हो जहाँ पर एक हार का डर हो ना, वहाँ से आपको जिताने में मदद करते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद साथ में होना जरूरी होता है। इस वजह से कहा जाता है कि कोई भी बच्चा हो, जैसे मैं तो हमेशा पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ ना, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, हनुमान चालीसा रोजाना क्या करो, आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने में मदद करता है। और हनुमान चालीसा का प्रभाव क्या है पता है, हनुमान जी के दर्शन करने का प्रभाव क्या होता है, जैसे गीता में आपने सुना होगा कि जो कृष्णा जी का रथ होता है ना, अर्जुन और कृष्णा जी जिस रथ में होते हैं ना, उसके ऊपर ध्वजा जो होती है, ध्वजा के साथ हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो किसी भी युद्ध चुनौती जैसे ये है, इसे पार पाने के लिए हनुमान जी का सपोर्ट होना जरूरी है। उनके दर्शन करके आया करो मंगलवार को। जो लेडीज है उनके लिए, उनको एक रिक्वेस्ट है कि हनुमान जी की मूरत को ना लेडीज हाथ नहीं लगाती, दूर से दर्शन कर लेना, हमारे द्वारा ये मान लिया जाता, दूर से दर्शन कर लेना सही रहता है, ठीक है। तो ये तो आप जिनको भी मानते हो उनका स्मरण करो। और घर में अगर कांटेदार कोई पौधा है ना, जैसे अनार का पौधा है या कोई भी ऐसा कांटेदार पौधा है ना, उसे बाहर कर दो। और लगे पेड़ के रूप में बन गया, अब क्या करें, उसे कटवा नहीं सकते, तो अब क्या करें, क्योंकि पक्षियों का घर भी बन जाता है तब तक में, तो ऐसे कटवाना पाप का भागी बन जाना भी हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या क्या किया जाए, तो देखो ऐसे में क्या करना कि अगर पेड़ का रूप ले लिया हो किसी ऐसे कांटेदार पौधे ने, तो उसकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने के लिए आप व्हाइट कलर के फ्लावर के पौधे जो है ना, ये उगाना स्टार्ट कर दो। ये दो तीन चार, दो दो तो पक्का ही उगाओ। इससे एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, इससे उसकी नकारात्मकता का प्रभाव कट जाता है ना। तो ये काम करना, आपकी लाइफ से हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म होते हुए, हर प्रकार का अंधकार खत्म होते हुए नजर आ रहा है। ये गुड न्यूज गाइस कि आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक हटता हुआ नजर आ रहा है।
ये आपने उम्मीद करके बैठे थे, हर मिट वाले मोड में आ गए थे। देखो यहाँ पर भी लाल टेन लाल टेन लाल टेन यानी रोशनी, और यहाँ पर भी रोशनी आती हुई। मैंने कहा ना 3 से 5 बजे के बीच में या तो आपको कोई सपना आता है, ठीक है, या फिर आपकी नींद खुलती है गाइस, इन दिनों में खुलती है नींद आपकी। रात में एक बार तो सही, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी नींद खुलती है, ये इशारा दे रही है गाइस कुछ लाइफ में अच्छा होने। बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक है नकारात्मकता, से मैं फिर से कहूँ, क्योंकि ये मैसेज आपके दिल और दिमाग पर छाना जरूरी है। ये गुड न्यूज को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मालिक मेरी लाइफ से नकारात्मकता खत्म हो रही है, मेरा दर्द खत्म हो रहा है। बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से छुटकारा आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है। फिर कोई हेल्थ का इशू नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कर्जा नहीं रहेगा, किसी प्रकार का माथे में भारीपन नहीं रहेगा, ठीक है। घर में सुख का वातावरण रहेगा। और जिन लोगों ने ये ब्लैक मैजिक किया उनका हाल देखना, उनका हाल देखना सच में, ये पीड़ित होना तब देखना आप, क्योंकि ये तो तय है गाइस कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं करवाते हैं ना, उनकी गत बहुत बुरी होती है। उनको बार बार समझा जाता है, क्योंकि मालिक ईश्वर यही कहते हैं कि आप ना सही रास्ते को अपनाओ, जो गलत रास्ते को अपनाता है ना वो गलत ही जाता है। उनके हाल बुरे बहुत होते हैं। जिन भी लोगों ने ये ब्लैक मैजिक किया ना, उनको लेकर कर्मा रिटर्न होगा देखना। और ये भी देखना आप साथ साथ में, जैसे ही इधर आपका ब्लैक मैजिक खत्म होता है आप पर से, आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा देखना। हो सकता है सडन आपका कहीं शिफ्ट होना ये होगा, हो सकता है जहां पर अभी आप रह रहे हो वहां से आप नया मकान ले लो, नया घर ले लो, शिफ्ट हो जाओ आप, ये होगा। क्योंकि किसी स्थिति से तो आपको बांधा गया, उससे तो छूटना आपका तय है, और उससे छूटते ही आपकी लाइफ में चीजें बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, है ना। और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये भूचाल मचाया है, उनको कर्मा रिटर्न होना, उनका भोगना, ये चीजें हैं। आपको क्रो बहुत दिख रहे होंगे गाइस इन दिनों में, लिब्रा की एनर्जी है ना, ये दिख रही होगी। द एम्परर, ये देखो, ये कहता है संघर्ष लाइफ का हर प्रकार से खत्म होना। द एम्परर की एनर्जी क्या कहती है, लाइफ में बहुत तकलीफें देखी है, बहुत दुख देखे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना कि सक्सेस प्राप्त करने के बाद में, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है गाइस, तो आपके लिए एक बिग अचीवमेंट के बारे में कहा जाता है, एक बिग सक्सेस के बारे में कहा जाता है, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने के बारे में कहा जाता है, या फिर आपकी लाइफ में अवेयरनेस के लिए वे है ना मिल जाना उनके बारे में कहा जाता है। एम्परर की एनर्जी में कोई इंसान तब आता है जब उनकी लाइफ में सफलता उनको जिस हिसाब से अचीव करनी होती है वैसे वो अचीव कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में रहकर कोई एम्परर की एनर्जी में नहीं आ सकता, क्योंकि वो संघर्ष कर ही नहीं सकता, वो बंधा हुआ है। संघर्ष करे तो करे कैसे, जितना संघर्ष करता है उतना वो लाइफ में और धसता जाता है। आपने लाइफ का एक ऐसा मूवमेंट देखा है, एक ऐसा पल देखा है जहां पर आप जितना किन्हीं उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दलदल की तरह वो आपको अंदर खींच रही थी, और आप यही सोच रहे थे कब इसमें करना क्या है, इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, क्या लाइफ इसी में दबकर रह जाएगी, ऐसे ही प्राण निकलने हैं क्या, ये तक की स्थितियां आपने देखी है। और उसके बाद में मालिक की हेल्प मिल जाना और इस स्थिति से बाहर आकर द एम्परर की एनर्जी में आना, अब आप सोचो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए सच में, कि ऐसी स्थिति को आपने देखा है, ऐसा फेस करके आप आए हो। आप यही प्रार्थना करते हो कि ऐसी स्थिति में कभी गिरो ना, मतलब कभी कभी होता ना मन से ये तक निकल जाता है, दुश्मन को भी ऐसी स्थिति, मतलब बहुत बुरे हाल सच में, उससे आप बाहर आए हो गाइस। अब तो लाइफ का हर खेल कहता ना वो आपको समझ में आ गया है, लाइफ को संभालना आ गया। एम्परर की एनर्जी में आने का मतलब यही है कि कोई इंसान सक्सेस प्राप्त करने के बाद में बोलता है, कहता है अपनी सक्सेस की जर्नी के बारे में बताता है लोगों को कि मैंने लाइफ में ये तकलीफें देखी है। और जैसा कहा ना, आप खुद कहोगे कि आपको कहते हुए डर लग रहा है, आपकी आत्मा थर थरा रही है कि ऐसी स्थिति में आप कभी रहे थे, और जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है, उसे झेला है ना, वो आपका दिल जाने कि आप सपने में भी उस स्थिति को देखते हो, सोचते हो ना, तो आपको डर लगता है कि मालिक ऐसा कोई बुरा कर्मा ना हो हाथ से और लाइफ में आसानी रहे, है ना, ये चीज आपके। तो द एम्परर की एनर्जी में आने का मतलब यही है सक्सेस का प्राप्त करना,
है ना, अचीवमेंट आना, ब्रेक थ्रू मिलना आपको, ऐसे सोर्सेस मिलना जहाँ से आपको खुशी मिले, आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, ठीक है ना। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ पर ही मैंने कहा था, इतनी मेहनत करने के बाद में कोई किंग ऑफ पेंटिकल, देखो एम्परर की एनर्जी जा ही नहीं रही है क्योंकि मेहनत कर ली ना उतनी, है ना। ये इग्नोर कैसे हो सकती है, कभी किसी की मेहनत इग्नोर हो सकती है क्या? एम्परर की एनर्जी यही कहती है मेहनत को इग्नोर नहीं करना। आप सोच रहे हो ना इतनी असफलता मेरी, तो उनका कर्म जो है वो इग्नोर हो गया, तब सक्सेस नहीं मिली, तब असफलता मिली, तो क्या आज उसका परिणाम अच्छा सा देखने को नहीं मिलेगा क्या? इसे समझो, द एम्परर किंग ऑफ पेंटिकल टेन ऑफ पेंटिकल, है ना, अपनी मेहनत के आधार पर बहुत कुछ अचीव करना, बहुत कुछ, इवन कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाना कि अरे पूरी लाइफ मेरे काबू में है, मेरे कंट्रोल में है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो वाली बात। यहाँ पर भी देखो आराम से बैठे हो, किसी प्रकार की चिंता नहीं है क्योंकि सक्सेस पा लिया आपने, सफलता पा लिया आपने, लाइफ को सिक्योर कर लिया आपने। किंग ऑफ पेंटिकल भी यही कहता है, पावर आ जाना, पैसा आ जाना, रेस्पेक्ट मिलना, सपोर्ट मिलना, जो जो चाहा था वो सब कुछ मिलना, फैमिली का भी अच्छा चलना, फैमिली के तालमेल भी अच्छे रहना, परेशानी है ही नहीं किसी बात को लेकर, भविष्य सिक्योर होने जा रहा है गाइस, भविष्य को लेकर सेफ्टी आपको मिलने जा रही है। मेरे योद्धा, जितने संघर्ष करने थे ना कर लिए, जितनी तकलीफें झेलनी थी वो झेल ली मेरे शेर, अब लाइफ में ना खुश रहने की बारी आई है, अब हर्मिट वाले मोड से डेस्टिनी आपको निकाले कहाँ ना, अगर ये ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से खत्म हो जाए ना, तो आपकी लाइफ कितनी आसान होती है वो देखना, यहाँ पर आपकी लाइफ का आसान होते हुए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है गाइस। जैसे आप आपकी फैमिली कितनी खुश रहते हो, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि ये आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक हटा है, जिसकी वजह से ये कलाकारियाँ समय आपके लिए कर रहा है। ओके, द हैंगमैन, अब इसमें रहने की जरूरत ही नहीं है। द हैंगमैन के साथ क्या होता पता है? एम्परर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, ठीक है, और असफल भी होते हैं, विचलित भी होते हैं, अटके हुए भी रहते हैं, फिर भी मेहनत करते हैं, चींटी वाली हरकत कह लो और द एम्परर कह लो, एक जैसी बात है कि असफल होने के बाद में भी कंटिन्यू में मेहनत का देना, रुकना ही नहीं, रुकना ही नहीं, जब तक एक कहते हैं जिद्दीपन होता है एम्परर में, कि जब तक मैं सक्सेस को प्राप्त ना कर लूँ, जब तक मैंने जो चाहा है मेरा टारगेट पूरा ना कर लूँ ना, मैं तो अटका हुआ हूँ, अटकी हुई हूँ, अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे वो अचीव करना है। और बकायदा एम्परर की एनर्जी इतनी जिद्दी रवैये की होती है कि वो पार कर जाते हैं, होकर ही रहता है, अगर उनकी मेहनत में कभी कमी रह जाती है तो भाग्य का साथ देना, लेकिन असफलता तो झेलनी पड़ती है, फिर जाकर सक्सेस को मिलती है। हैंगमैन का कार्ड क्या कहता है? हैंगमैन का कार्ड कहता है जहां पर अटके हुए रहे ना, वहां पर भी मालिक का साथ आपको मिलना, सपोर्ट आपको मिलना, गिरने ना दिया जाना। यहाँ पर देखो ऐसी स्थिति में भी एक कहता ना कि अदर जूल में किसी इंसान का होना, किसी इंसान का ऐसी परिस्थितियों में होना जहां से वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, पीछे भी नहीं जा पा रहा है, फंसा हुआ है, जो ये कार्ड कहता है, एक चक्रव्यूह जैसा, एक भूल भुलैया जैसा, अब वैसे कोई इंसान बाहर कैसा है? मालिक के आशीर्वाद से, थोड़ा भाग्य के सपोर्ट से, है ना। तो इस स्थिति से आपका बाहर निकलना, एम्परर की एनर्जी में आना, जिद्दी रवैया पाना और किंग ऑफ पेंटिकल में आ जाना, अथॉरिटी में आ जाना, जो जो मैंने चाहा वो मैंने पाया, है ना जी। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, देखो गाइस द हाई प्रिस्टस और नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है? आपने लाइफ में बहुत सबक देखे हैं। हैंगमैन का कार्ड क्या कहता है? इंट्यूशन का साथ देना, समझना इस बात को, दो चीजें एक साथ चल रही है। अभी आपका सूझबूझ और आपका दिमाग जो है, आपकी बुद्धि जो है ना, ये एक कहता है ना कि बिल्कुल फॉर्म में है ना, बिल्कुल एक कहता है ना कि बहुत अच्छी धरातल पर है ना, कि वहाँ पर आपके इंट्यूशन का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिले और आपकी बुद्धि का भी आपको बहुत सपोर्ट मिले। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ की अगर अभी भी कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना, कि जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें मैं क्या फैसला लूँ,
देखो, द एम्परर के लिए और द हाई प्रिस्टेस जो है ना, ये दो ऐसी एनर्जी है, सुनेंगे सबकी। पता है एम्परर क्या करते हैं, एक एक को समझो। एम्परर क्या करते हैं, सुनेंगे सबकी, ठीक है, और अपनी बुद्धि के आधार पर फैसला लेंगे, चाहे अब वो इतने सारे लोगों की सोच के विरुद्ध क्यों ना हो, भले खुद के निर्णय पर 1% भी ट्रस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपका दृष्टिकोण और आपकी दूरदृष्टिता इतनी अच्छी होती है कि वो 99 लोगों की सोच को गलत साबित कर देती है। एम्परर की एनर्जी वो बात कहती है, एम्परर के पैरों में ना लोहे के जूते होते हैं। और द हाई प्रेस्टर्स की एनर्जी ये भी क्या करते हैं, सुनेंगे सबकी, ठीक है, और अपनी अंतरात्मा के आधार पर ना लाइफ के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अब ये एक कार्ड, दो कार्ड और तीन कार्ड यही कहते हैं, जिस मामले में अटके हुए हो ना, यहाँ पर दुनिया आपको 10 तरीके की राय देंगे, सलाह देंगे। इवन आप जो अपनी सलाह के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आप अभी का नहीं भविष्य का सोच कर आप कोई फैसला लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी का समय ऐसा निकला है जहाँ पर आपने सबक बहुत सीखे हैं। एक किसी बहुत बुरे दलदल से आप बाहर निकल कर आए हो ना, तो आपको पता है कि लाइफ के खेल क्या है ना। तकलीफ आपने देखी है गहनता से, इतने नज़दीक तक से देखी है, आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या फैसले किस प्रकार से लेना होता है। तो आप अपने दिमाग के आधार पर और आपने अपने अंतरात्मा के आधार पर दोनों ही एक बात पर आकर ठहरेंगे और उसी फैसले को लेना, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट काम कर जाएगा। यही मालिक की ब्लेसिंग है। आपके लिए बहुत बड़े सवाल का आंसर आया, प्लीज़ इसे वापस से सुनना कि अगर कोई फैसला लेने जाओ, दुनिया 100 बात कहे, लेकिन आपको लगे आपकी थॉट, आपका सोच 99 लोगों की बात से भिन्न है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन है, उसका चयन करना जो आपको सही लगे। अगर आपका दिल कह देता आप सही हो, आपका दिमाग कह देता है, आपकी बुद्धि, आपकी सोच कह देती है, आपका सबक जो सीखे हुए हैं उसकी पोटली, विजडम की पोटली अगर आपको कह देती है आप सही राह पर हो, तो अपनी सोच और फैसला, अपनी सोच के आधार पर फैसला लेना, अपने इंट्यूशन के आधार पर फैसला लेना, वो सही साबित होगा। ठीक है, अब भ्रमित नहीं होना, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ आपका? ये किसी का, मुझे ऐसा लगता है दिमाग में यही सवाल था और उसका आंसर मिल गया आज। 9 ऑफ कप्स, इससे ही आपकी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने का मतलब क्या है? दिल और दिमाग का बैलेंस में आ जाना, जहाँ पर इंट्यूशन भी साथ दे और पहले से आभास हो जाए। जैसे हम कोई काम करने जाए ना, हमारी अंतरात्मा कह देती है, हमें फील हो जाता है ये काम हमारा सही हो सकता है, नहीं हो सकता, मेरा ये डायरेक्शन सही है गलत है। अंतरात्मा हर एक, एक बुरा इंसान भी होता ना, उनको भी गलत कर्मा करने से एक बार रोकती है, लेकिन कोई रुकता नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अंतरात्मा क्या है? हमारे भीतर विराजमान मालिक ही तो है, हम भी तो मालिक के अंश ही है ना, लेकिन पृथ्वी लोक के नियम कायदे हो गए, सांसारिकता हो गई, ये हम पर हावी पड़ जाती है, तो हम हमारे अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ बच्चे सुन पाते हैं। इतना दुख झेलने के बाद में भी जो अपना कर्मा को अच्छा रखता है ना, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाते हो, और आप सुन पाओगे और अपने अंतरात्मा के आधार पर आप फैसला लोगे, हो जाएगा सही, और तब देखो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक पांव पर खड़े होकर मेहनत करिए मालिक, वो आपने देखा है, मालिक कह रहे हैं हाँ बेटा बिल्कुल देखा है, कितनी मेहनत करी, कितनी शिद्दत दी है, अब आपकी इच्छाएं पूरी होना, अभी होगी, इन्हीं दिनों में आपकी कोई इच्छा पूरी होगी गाइस, अक्टूबर में आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, अक्टूबर में आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा दुख खत्म होगा, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है गाइस, है ना, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, शुभ समाचार आपकी लाइफ में आपको सुनने को मिलेंगे, कॉल आएगा आपको, बकायदा कॉल आएगा, देखना कोई गुड न्यूज़ का, कि मालिक जहाँ पर मेरा दिल अटका हुआ था ना, मुझे वो खुशी मिल गई है ना, बहुत अच्छा फील होने वाला, और इसके बारे में आपका दिल कह रहा है, अभी से कह रहा है, आपकी अंतरात्मा भी कह रही है, किन्हीं मामलों में रिकवरी के बारे में भी आपकी अंतरात्मा कह रही है गाइस, है ना। द फूल, अभी कहा ना विजडम की पोटली, ये लो सेलिब्रेशन, 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या करियर में और क्या प्रोफेशनल लाइफ में,
सॉरी पर्सनल लाइफ में और क्या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में लेकर देखो तालमेल कितना अच्छा बनता है। दोनों में लेकर ना आपकी न्यू बिगनिंग होती है। जो देखो यही खुशखबरी है गाइस कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई एंजॉय आप कर रहे हो, कोई जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हो कि जो टारगेट मैंने बनाया था वो मैंने अचीव करा। एक जस्टिस के बारे में भी आ रहा है कि जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है आपके लिए, और एक आपका लिया हुआ फैसला आपके लिए कितना सही और सटीक बैठता है ना, उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ कि अरे मालिक सच में दुनिया के विरुद्ध जाकर ये फैसला लिया और आपने मेरी लाज बचा ली, सच में मेरी लाइफ में सुख भर दिया। वरना अगर ये फैसला गलत चला जाता ना तो पता नहीं लाइफ का क्या हाल हो जाता, लोग कितने पीछे पड़ जाते, कितना बेबस कर देते। आपको उस बेबसी से मालिक ने बचाया है और आपके फैसले को सही साबित किया है ना। एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, फुल की एनर्जी भी यही कहती है, ये सब सोर्स की एनर्जी भी यही कहती है। आपके एटीट्यूड में बदलाव आना, आपके बोलने के तौर तरीकों में बदलाव आना, आपके साथ न्याय होना। द हाई प्रिस्टेस और ईस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दोनों एक ही बात के बारे में कहता है, वो इमोशंस का कंट्रोल में आ जाना, आपके इमोशंस का कोई फायदा ना उठाए, ठीक है। और एक और बात, आपके मैरिज में या आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई थी, तालमेल खराब हो गया था, तो फिर से अच्छा हो जाना। नो कॉन्टेक्ट में हो, कई लंबे समय से बातचीत बंद है, तो फिर से आपके पर्सन से पार्टनर से बातचीत होते हुए नजर आ रही है, हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है गाइस। अब तो बहाने बनेंगे देखना कि अच्छे मोमेंट के लिए, या गलतफहमी भी हो गई है ना तो आप भी अपनी तरफ से सोच रहे हो कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, सामने वाला इंसान भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मौका आन पड़े जिससे कि आपकी बातचीत वापस से स्टार्ट हो जाए। फैमिली में भी हो सकता है गाइस, भाई भाई बहनों में भी हो सकता है, भाई भाई में भी हो सकता है कि एक कोई ऐसा मोमेंट बनेगा। हो सकता है कहीं से इनविटेशन आओ, आप जाओ, आपकी फैमिली के मेंबर भी पहुंचे और वहां पर आपकी बातचीत और सब कुछ विवाद खत्म हो जाए, आपसे समझ इतनी अच्छी हो जाए। ये कहा ना, अचानक से परेशानियां खत्म होने वाली, सर पर से भारीपन हटने वाली बात, ये चीज आपकी लाइफ में होने जा रही है। कुछ लोगों को आपकी कदर हो रही है, ये भी है ना। तो लाइफ में अच्छी चीजें आ रही है और कुछ विशेष होने के साइन भी आपको मिल रहे हैं। बिलीव रखो गाइस, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। 000 और 11 की एनर्जी आपको नजर आने का मतलब यही है, अंत ही आरंभ है। परेशान मत हो, कोई चीजों का अंत हो गया तो हो गया, नया जो आरंभ हो रहा है उस पर फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, खुश रहो और निश्चिंत रहो, ठीक है ना जी। गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस मैंने पहले भी बताया, कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है तो लिंक ओपन नहीं हो पाता, आप फिर से ट्राई करना, लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।